और लोगबाग और देशवासी उम्मीद भी अब रेसलिंग से सबसे ज़्यादा लगाते हैं। अमन हमारी उम्मीदों पे, देश की उम्मीदों पे खरा उतरा है और बहुत खुशी की बात है। किन कोचों के साथ तूने काम किया है? इतने बड़े बड़े सतपाल पहलवान, राम फड़मान जी। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है, जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी इस जीत के बाद उनके कोच ने उनकी ट्रेनिंग को लेकर बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। रात की सांस नहीं और खुशी की भी बात है, और लोगबाग और देशवासी उम्मीद भी अब रेसलिंग से सबसे ज़्यादा लगाते हैं। और थोड़ा बहुत ही हमें, जैसे पहले दूसरे दिन निशा दहिया का और विनेश के साथ क्राइसिस हो गया, उससे थोड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद अंतिम और अंशु लूज कर गई थी, थोड़ा कहीं के मन में अफसोस था, लेकिन आज अमन हमारी उम्मीदों पे, देश की उम्मीदों पे खरा उतरा है और बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उसी में आपका वजन बढ़ गया था, तो पूरी रात आप मेहनत करते रहे, और क्या था वो पूरा प्रोसेस, और अमन पूरा क्या क्या किया, एक्सरसाइजेस किया, कल जब शाम को कुश्ती खत्म, जब कल जब वो शाम को कुश्ती खत्म हुई है, उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का, 161 किलो वजन था। तो उस टाइम क्या हुआ, 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल ख़त्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यही ले लिया था मैट पर ही। उसके बाद हम करीबन 10-10:30 बजे हम विलेज में चले गए, 1 घंटा इसने रेस्ट किया, 12:30-12 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था। तो उसके 1 घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू, उसके बाद 1/2 घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के, 2-2, 4-4 मिनट के सेशन, 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया, ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे, एक एक कप का हमारा वो था कि ताकि पावर मिलती रहे और पसीना भी निकलते रहे। फिर हमने करीबन 1.5 घंटे के बाद दोबारा इसका वज़न चेक किया, करीबन 3 बजे 3:30 बजे, तो इसका 900 ग्राम वज़न जब भी कम नहीं हुआ था। तो 15-20 मिनट का इसको रेस्ट दे के, इसकी मसाज वगैरह करके, उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया। अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा, क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था, तो हमने वही रखा, 5-5 मिनट के सेशन स्पीड वर्क के दे दिए ट्रेडमिल पे, और 2-2 मिनट के सेशन दे दिए हमने सोनाबाद के। सर, इसमें जब सेमीफाइनल वो नहीं जीत पाए, उनको पता था रेपेचेज कैसे मोटिवेटेड रखा, उनका सपना था फाइनल जाएं, गोल्ड के लिए फाइट करें, लेकिन वो जब नहीं हो पाया तो कैसे मोटिवेटेड रखा कि नहीं अभी भी गोल्ड नहीं आएगा तो क्या मेडल ला सकते हो? सबसे ज़्यादा तो हमने मोटिवेट किया ये किया था, तू किस सेंटर से है, 76 साल से है, किन कोचों के साथ तूने काम किया है? इतने बड़े बड़े सतपाल पहलवान, राम फड़मान जी, यशवीर जी और ललित जी, वीरेंद्र जी, अब भी नए कोचेज भी हमारे काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये मोटिव, अगर मगर तू खाली हाथ गया तो 76 साल का नाम बदनाम, नाम डूब जाएगा। वो निमला सर, जो गलती होगी होगी सेमीफाइनल में, कल वो रिपीट नहीं कहूँगा, और मैं आपको मायूस होने का मौका नहीं दूँगा, ये प्रॉमिस कर दिया था।